हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाथ से लिखने वाली वीडियो को आप कैसे काइन मास्टर की मदद से बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वीडियो स्क्राइब अब मोबाइल के लिए बंद हो चुका है, वो सिर्फ कैसे वीडियो बनाना है काइन मास्टर से, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले इस घंटे को दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, जैसे कि ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इम्प्री प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको बैकग्राउंड ले लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ मीडिया ब्राउज़र में जाना है। आपको यहाँ पे फिर बैकग्राउंड दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर एक वाइट बैकग्राउंड ले लीजिए, क्योंकि हाथ के ऐसे उसमें वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए होता है। बैकग्राउंड ले लीजिए, फिर इसके बाद आपको लेयर को चाहिए, जैसे जो भी आपको लिखना है, आपको वीडियो में बताना है। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए हेलो फ्रेंड्स लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपका ये टेक्स्ट यहाँ पर शो करने लगेगा। फिर आपको यहाँ पर यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ब्लैक ले लेता हूँ। फिर आपको नीचे जाके शेडो की बटन को ऑन होगी तो ऑफ़ कर देना है। फिर आप ऊपर आ जाइए, फिर आपको यहाँ पे यहाँ से आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका जो भी चाहिए, जैसे कि मैं बोल्ड ये रख लेता हूँ। से मीडिया पे जाना है और आपको सबसे पहले इस पीएनजी को ले लेना है। ये पीएनजी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हैंड की पीएनजी आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर दोस्तों, आपको ये सेकेंड लेयर दिख रही होगी, उस पर आपको टैप करना है। फिर आपका ऐसा शो होने लगेगा। फिर आपको इस पर फर्स्ट वाले में जाना है, एनिमेशन में आप नीचे फिर इसको स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा वाइप राइट का, क्लिक करेंगे। फिर आपको थोड़ा सा इससे आगे बढ़ाना है, तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको वहाँ पे ये लगा देना है। फिर दोस्तों, फिर आप एकदम आगे आ जाइए, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ये चाबी की बटन दिख रही होगी, की बटन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेना है। फिर ये जितना टेक्स्ट दिख रहा होगा उसको आपको ऐसे कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। फिर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। फिर इसको जितना टेक्स्ट हो चुका है, फिर आपको यहाँ पे कर देना है। फिर थर्ड लेयर पे क्लिक करना है। फिर आपको ये सेकेंड वाला दिख रहा होगा ओवर एनिमेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे जाते जाना है। नीचे जाएंगे तो ये दिख रहा होगा आपको फ्लोटिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको फ्लोटिंग वाले पे टिक कर देना है। फिर इसके बाद राइट कर लीजिए। अब देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसे बना है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, अब आपको ऐसे ही आप अब तो ये रिटर्न वाला होगा। आपको जैसे फ़ोटो लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं, तो सिंपली जैसे कि मैं आपको ये लेयर की बटन पे फिर से आपको टाइप करना है। फिर आपको मीडिया ब्राउज़र में जाना है और एक सॉरी दोस्तों, वो फ़ोटो थोड़ी अच्छी नहीं थी, ये फ़ोटो को जैसे मैंने ले लिया। फिर आप जैसे कि यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है यहाँ पर, फिर आपको यहाँ लगा लीजिए। फिर आपको इस थर्ड लेयर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फर्स्ट एनिमेशन में टिक करना है, ठीक है दोस्तों। आपको ये क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है, सॉरी ये नहीं, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे करते जाइए, इस पर आपको टिक करना है, वाइप राइट पे इसको टिक कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं, आप देखिए ये चल रहा है हमारा, फ़ोटो भी आ रही है। ऐसे आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको ऐसे अभी तो फ़ोटो चल रही है, अगर आपको हैंड लगाना है तो आप इसमें भी ये टेक्स्ट की तरह हैंड लगा सकते हैं। ऐसे ही आगे पीछे कर करके टेक्स्ट के उसमें भी हैंड लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप बना सकते हैं वीडियो स्क्राइब से। दोस्तों, वीडियो तो ज़्यादा अच्छी बनती थी अब, लेकिन क्या कर सकते हैं, उससे उसके जैसी तो थोड़ी बनी जाती है काइन मास्टर में। तो आप इसका भी यूज़ करके अच्छा खासा बना सकते हैं हाथ से लिखने। धन्यवाद।